भैया टेस्ट तो डिफरेंट है ही ओवरऑल। हमने बहुत जगह के खाए हुए हैं वैशाली, इंद्रपुर, यहाँ पे जो है जो टेस्ट मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। आपको इनके छोले भटूरे कैसे लगते हैं? बहुत स्वाद है जी, बहुत कोई वही पुरानी प्रिपरेशन है, वही पुराना स्वाद है। इस दुकान की खासियत है आप खुशबू से ही खींचे चले आओ। पंजाबी आदमी को तो चाहिए भटूरे छोले। मेरा मतलब मैं पढ़ू, मुझे बनना था पायलट। पायलट बनना था? हाँ जी, बस समय घुमा दिया हमें। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सदर बाजार में खड़ा हूँ और पीछे मेरे नंददी हट्टी छोले भटूरे वाले। मैं अपने घर से यहाँ तक कैसे ही पहुँचा हूँ मेरे को पता है, और आया मैं स्कूटी में हूँ। सदर बाजार जो है किसी के लिए नहीं रुकता, इतना हसल बसल भसड़ मची हुई है हर जगह। अब जिसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखी थी, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि देसी घी में छोले भटूरे बन रहे हैं, तो मैंने सोचा यार यहाँ पे तो आना ही है, चाहे जैसे मेरे पसीने भी छूट रहे हैं। आपके देसी घी वाले देसी घी? देसी घी छोले आलू हरी मिर्ची छोटा छोट पड़ता है। ये शॉप है जो 1940 पे हम रेडी लगाते थे, 1948 से हमने ये शॉप बाय कर ली थी, तब से हम यहाँ पे बैठ रहे हैं। हाँ जी, हम चौथी जनरेशन है, पर दादा ने स्टार्ट किया था, फिर दादा ने, फिर उनके बेटों ने शुरू किया था। हाँ जी, और अब हम चौथी जनरेशन है जो यहाँ पे बैठ रहे हैं। तो खड़े मसाले आप लोगों के यूज होते हैं और एकदम बिल्कुल देसी घी में आपके भटूरे? हाँ जी भैया, पूरे देसी। छोले भी देसी घी में? छोले आलू भटूरे सब देसी घी में। तो दोस्तों मेरे को यही चीज इनकी सबसे यूनिक लगी थी कि इनके जो छोले भटूरे बन रहे हैं वो नॉर्मल किसी तेल में नहीं, देसी घी में बन रहे हैं। ये देखो देसी घी यूज हो रहा है। हाँ डाल दो डाल दो डाल दो, मतलब नॉर्मल इंसान तो यहाँ पे आके खा ही रहा है, सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं। आसिम मोदी जो है डायरेक्टर है, वो यहाँ पे आके खा चुके हैं। गौतम गंभीर के घर में कैटरिंग हो चुकी है हमारी। हाँ जी, और ऋतिक रोशन के लिए साल में एक बार छोले भटूरे हमारे जरूर जाते हैं। ऋतिक रोशन की? हाँ जी। अभी मेरे से तो वेट नहीं हो रहा, इतनी बातचीत हो गई है, जिस काम के लिए आए थे वो कर लेते हैं, खाते हैं इनके छोले भटूरे देसी घी वाले। ये थोड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, ये अचार किस चीज का है? ये करौंदा है हमारा। हाँ जी, करौंदा। करौंदा का अचार? बहुत हेल्थ के ऊपर केयर पे ध्यान देते हैं वो, छोले भटूरे नहीं खाते, बल्कि वो लोग भी आते हैं और खा के जाते हैं और कहते हैं कि बहुत टेस्टी है। ये दिल्ली फूड की तरफ से हमारे को अवार्ड मिला था। फाइनली मेरे हाथ में आ चुके हैं नंद के छोले भटूरे देसी घी वाले, एकदम फूले फूले भटूरे हैं। इसमें छोले हैं, आलू है, हरी चटनी है, मिर्च है और करौंदा का अचार। एज यूजुअल जो भटूरा खाने से पहले करते हैं, इसको पहले इसकी निकालते हैं हवा। तो अब ट्राई करते हैं इनके छोले भटूरे, इसकी बाइट है। अभी तक मैंने जितने भी छोले भटूरे खाए हैं ना, फर्स्ट टाइम मेरे को ये भटूरों से वो देसी घी की खुशबू आ रही है और बहुत अमेजिंग लग रहा है। इनके जो छोले हैं ना वो रिच हैं, लेकिन मसाले हैं, लेकिन ज्यादा मसाले नहीं। और जो ये अचार है ना करौंदी का, ये बहुत ही अमेजिंग है। अगर कभी सदर बाजार हो ना या उसके आसपास के एरिया में हो, यहाँ पे जरूर आना है, छोले भटूरे खाने ही खाने हैं। अभी तक जितने भी तुम लोगों ने छोले भटूरे खाए ना, उससे तुम्हें डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। अंकल जी ने स्पेशली लस्सी मंगवाई है, अब मेरे को लग रहा मैं यही लेट जाऊंगा क्योंकि छोले भटूरे और लस्सी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, मतलब नींद की गोली के बराबर का होता है। नमस्कार अंकल जी, इस दुकान की क्या खासियत है? इस दुकान की खासियत है आप खुशबू से ही खींचे चले आओगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ से निकलता आदमी अपने आप रुक जाता। तो आपको इनके छोले भटूरे कैसे लगते हैं? इनके अगर एक बार खाते हैं ना, हाँ, तो हमें घर जाके भी खिलाने पड़ते हैं कि खुद खा के आओ तो घर भी लेके आओ भैया, खुद कैसे बढ़िया चीज खा। मतलब हफ्ते में एक बार इनका हो जाता है? मैं हफ्ते में तीन चार बार। तो हमें नाश्ते की आदत ही यहीं की। अच्छा, तो इनको आपका छोले भटूरे की खासियत क्या लगती है कि आप तीन चार बार एक हफ्ते में? इनकी खासियत ये लगती है कि इनका खाते हुए कभी आपको भी इतना सॉफ्ट लगेगा, सीधा अंदर चला जाएगा।
आपको रबड़ वाला टेस्ट नहीं आएगा, छोले भारी नहीं लगेंगे, मसाले फालतू नहीं होंगे, शानदार टेस्ट, जानदार चीज। मतलब मैं तो शायद हफ्ते में एक बार ही खा पाऊँ, लेकिन ये 3 से 4 बार खाते वो भी इसलिए खा पा रहे हैं। हम तो पंजाबी आदमी सर, पंजाबी आदमी को तो चाहिए भटूरे छोले। अरे पंजाबी आदमी को तो चाहिए छोले भटूरे। कल जी, हाँ जी राजा, ये काम आपने कितने टाइम पहले संभाला अपने? मैंने, हाँ जी, छोटी उम्र में जी। छोटी उम्र में? हाँ, अच्छा। 16 साल का था। आप इसको इस काम पे ले आए पायलट की जगह सीधा छोले भटूरे? छोले भटूरे में। तो आप एंजॉय करते हो, जैसे आप डेली आते हो दुकान पे बैठते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शाम को हम लोग जाते हैं इस्कॉन मंदिर, इसके मतलब यहाँ जाने के बाद। अच्छा, ये दुकान आपकी कितने से कितने बजे तक खुली रहती है? सुबह 10:30 से 5:30 तक। आपको इनके छोले भटूरे कैसे लगते हैं? बहुत स्वाद है जी, बहुत, कोई वही पुरानी प्रिपरेशन है, वही पुराना स्वाद है। जैसे आपकी शादी हुई, बच्चे हुए, तो वो भी यहाँ पे आके खाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम पैक करा के ले जाते हैं। अच्छा, भटूरे पैक करा के लेके जाते हैं तो वो खत्म हो जाता है उसका बातचीत, तो इनका क्या है? सही सेम है सर, हम उसको हाफ फ्राई पैक करा के ले जाते हैं, घर जाके रिफ्राई कर लेते हैं। अच्छा, तो वो एकदम करारे होते हैं, फूल जाते हैं? फूल जाते हैं सर। भाई ये देखो, थोड़ा आधा घंटा मैं रुक गया अंकल जी, जैसा बोल रहे थे 1 बजे से भीड़ आनी शुरू होगी, इतनी भीड़ हो गई है अब मेरे पैर रखने की जगह भी नहीं मिल रही है। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, आपका क्या नाम है? आकाश गुप्ता। तो आकाश जी, आप नंद के छोले भटूरे कितने टाइम से खा रहे हो? भैया मेरे को तो 7-8 साल हो गए। हाँ जी, बाकी फादर ने दिखाई थी ये शॉप। हाँ जी, वो पता नहीं कब से खा रहे होंगे। अच्छा, तो ये आपकी यहीं पे शॉप है? नहीं, मेरी शॉप तो किनारी बाजार में, यहाँ पे आते हैं काम से। हाँ, तो छोले भटूरे दो ही लेके जाते हैं। मतलब जब भी आते हो यहाँ से खा के जाते हैं? बिल्कुल। तो यहाँ के आप क्या स्पेशलिटी है जो आपका यहाँ? एक जो भारीपन होता है ना, बाहर भी बहुत दुकानें खुली हुई हैं। हाँ जी, जो भारीपन होता है ना भटूरे, वो यहाँ पे है नहीं। हाँ। दूसरी बात, वहाँ पे आपको देंगे प्याज और हरी चटनी। हाँ जी, कहीं भी छोले भटूरे बिना प्याज और हरी चटनी के मिलते ही नहीं। नहीं मिलते यहाँ पे, नहीं मिलती प्याज और हरी चटनी। हाँ। यहाँ पे टेस्ट बोलता है। हाँ, वहाँ पे प्याज और हरी चटनी बोलती है बस। ठीक, बिना लगाए उसमें टेस्ट ही नहीं आता कुछ। हाँ जी, तो ये आप अपने फैमिली को भी खिलाते हो या आप खुद ही खाते हो? हाँ, अभी भी पापा के लिए पैक करवा के लेके जा रहा हूँ। हमारे वैशाली में एक नागपाल करके है, नागपाल उनका छोले भटूरे। हाँ, एक आप एक भटूरा खा लो आपका पेट ऐसा हो जाएगा। हाँ, कि आप दूसरा खा ही नहीं सकते। यहाँ पे आप 1.5 प्लेट भी खा लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, सेटल्ड है। तो दोस्तों, मेरी तो छोले भटूरे खाने की क्रेविंग हो चुकी है खत्म, क्योंकि मैंने खा लिए नंद के छोले भटूरे फ्रॉम सदर बाजार। ये तंग गलियों में, ये बिजी मार्केट में इतने अच्छे, मतलब यही जो है दिल्ली की जान है। इंडियन स्ट्रीट फूड की अगर मैं बात करूँ तो छोले भटूरे नंबर 1 पे आता है। यही कुछ दुकानें हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की जो जान होती है उनको बरकरार रखा हुआ है अपने पास, क्योंकि कोई 50 साल पुरानी दुकान है, कोई 60 साल पुरानी दुकान है। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय अंकल जी, बाय बाय बाय।